हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्यंजन का भाग चार पढ़ेंगे जिसके अंदर पांच अक्षर आते हैं ता से लेके ना तक। इसको ता वर्ग भी बोला जाता है। पहला अक्षर है हमारा ता। ता से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे चार शब्द लिखे हैं मैंने। यही चारों शब्द ज्यादातर स्कूलों में कराए जाते हैं बच्चे को ता अक्षर की पहचान कराने के लिए। पहला अक्षर है हमारा ता से तरबूज, ता से ताला, ता से तकिया, ता से तोता। दूसरा अक्षर आता है हमारा ता वर्ग के अंदर था। था से थर्मस, था से थैला, था से थन, था से थाली। तीसरा अक्षर है हमारा द। दा से दवाई, दा से दूध, दा से दर्जी, दा से दरवाजा। चौथा अक्षर है हमारा धा। धा से धनुष, धा से धड़कन, धा से धन, धा से धोबी। पांचवा और आखिरी अक्षर आता है हमारा ता वर्ग के अंदर ना। ना से नल, ना से नाशपाती, ना से नाक, ना से नहर। अब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को स्कूलों में कराई जाती हैं अक्षर की पहचान कराने के लिए। जैसे कि उसमें बच्चे को बोला जाएगा चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। चित्र दिया जाएगा और बच्चे को सिर्फ उसका पहला अक्षर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है थर्मस का, तो बच्चे को सिर्फ क्या लिखना है, था। था से थर्मस। ये वाला चित्र किसका है, धनुष, तो कौन सा अक्षर लिखना है, सिर्फ धा। दूसरा ये हमारा चित्र है दवाई का, तो हमें कौन सा अक्षर लिखना है, सिर्फ द। दा से दवाई। यहाँ पे हमारे पास तरबूज का चित्र दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ता। ता से तरबूज। यहाँ पर हमारे पास चित्र है नल का, तो ना से नल। ये वाला चित्र हमारे पास है तकिया का, तो ता से तकिया। ये चित्र है हमारा दरवाजा का, दा से दरवाजा। चित्र है हमारा धन का, धा से धन। ये एक्टिविटी और कराई जाती है स्कूलों में, सही अक्षर पर गोला लगाओ। इसमें हमें को चित्र दिया जाता है, दो तीन से ज्यादा हमारे पास अक्षर लिखे रहते हैं, हमें सही अक्षर पर गोला लगाना होता है चित्र को पहचान कर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला चित्र दिया हुआ है दूध का, और यहाँ पे हमारे पास पांच अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें से हमें दा से दूध होता है, तो दा अक्षर पर गोला लगाना है। दूसरा चित्र है हमारे पास यहाँ पे तोता, ता से तोता। तीसरा चित्र है हमारे पास थैला, तो हमें यहाँ पर जो हमारे पास पांच अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें से था अक्षर को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। मिलान करें, ये हमारे पास चित्र देखना है, हमें चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं, जो भी चित्र का नाम है उसके पहले अक्षर से हमें उसे मिलान करना है। यहाँ हमारे पास ये क्या है, पहला चित्र है दर्जी का, दा से दर्जी। ये हमारा चित्र है धोबी का, तो हम इन अक्षरों में से धा को ढूंढना है, यहाँ पर भी हमारा धा लिखा होगा, उससे इसका मिलान करना है। ये सब एक्टिविटीज इसलिए कराई जाती हैं बच्चों को ताकि अक्षरों की पहचान अच्छे से हो जाए। तीसरा चित्र है हमारा ना। ना से नाक, तो हम इसके इससे मिलान करेंगे। ये हमारा है तरबूज, ता से तरबूज, था से थाली। ये पहला चित्र है हमारे पास नाशपाती का, तो ना से नाशपाती, धा से धड़कन, था से थन, ता से त,
एक एक्टिविटी और कराई जाती है बच्चों को, कई बार बच्चों को डिफिकल्टी होती है कोई अक्षर की पहचान करने में, तो बार बार अगर वो वही अक्षर को दोहराएंगे, बार बार उसी अक्षर को बोलेंगे, तो उनको लर्न करने में आसानी रहती है। तो इसलिए ये वाली एक्टिविटी कराते हैं हम बच्चों को, ता अक्षर पर गोला लगाओ। एक आप इस तरह से कोई भी इमेज बना लीजिए, उसके अंदर काफी सारे अक्षर लिख दीजिए, जहां पर भी ता लिखा हुआ है बच्चे को उस पर गोला लगाने के लिए बोलिए या फिर कलर करने के लिए बोलिए, ताकि उसे ता अक्षर की पहचान अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ओवल शेप के अंदर जहां जहां पर भी ता लिखा था उस पर हमने गोला लगा दिया। इसी तरह से था अक्षर पर गोला लगाओ, यहाँ पर जहां पर भी था लिखा हुआ है हम उस पर गोला लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।